विभा शक्ति फाउंडेशन ने शनिवार को शक्ति आराधना के पर्व पर भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु डांडिया नृत्य का आयोजन किया, जिसमें समाज की अनेकों महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अनेकों खेलों का भी आयोजन किया गया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम आयोजन समिति की सदस्य सीमा गुप्ता, लता शर्मा, पूजा गौर, अक्षिता सक्सेना, चिन्मयी कटारा, पारुल सवारिया, पारुल शर्मा, धरा शर्मा, नीलम, ज्योति आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन निहारिका अग्रवाल एवं भूमिका ने किया। विभा शक्ति फाउंडेशन की डायरेक्टर कीर्ति शर्मा ने फाउंडेशन के कार्यों पर प्रकाश डाला। शर्मा, विभा फाउंडेशन की सदस्य। ये हमारा विभा शक्ति फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में चलता है और इसके तहत हम बहुत सारे अनेकों प्रोग्राम करते हैं और सभी को प्रोत्साहन देते हैं आगे इस सभी प्रोग्रामों को बढ़ाने के लिए, जिससे हम सभी और आने वाली हमारे सभी लोग और सभी बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति से हर तरीके से जुड़ी रहे और वो हर तरीके से अपनी सभ्यता का फॉलो कर, सभ्यता का अनुपालन करती है। आज यह डांडिया का कार्यक्रम विभा शक्ति फाउंडेशन के तहत किया गया है। विभा शक्ति फाउंडेशन पूरे देश में सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत ब्लड डोनेशन, कंबल वितरण, साड़ी वितरण, बच्चों की निशुल्क जो बच्चे हैं उनको फीस कराना आदि कार्य करता रहता है। तो उसी के तहत हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए आज हमने डांडिया नाइट का प्रोग्राम रखा था, जिससे हम भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर होते रहें
क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारी जो शारदीय नवरात्रि है, दो बार जो नवरात्रि आती है उसमें शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम डांडिया का कार्यक्रम रखते हैं ताकि मैया की आराधना का ये पर्व हम धूमधाम से मना सकें और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल मनोरंजन के, कुछ पल आराधना के, कुछ अपनी संस्कृति के और कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कर सकें।